तो दोस्तों, स्पाइडरमैन की अब तक जितने भी फिल्म रिलीज हुई है उसमें नो वे होम को सबसे बढ़िया मूवी माना जाता है, क्योंकि उसमें तीन तीन स्पाइडरमैन दिखाए गए हैं। लेकिन रिसेंटली रिलीज हुई स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इस मामले में काफी आगे निकल चुकी है। इस फिल्म में हमें पूरा स्पाइडरवर्स देखने को मिला और इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोनी और मार्वल की ये एनिमेटेड सुपर हीरो मूवी हमारी सोच से भी बहुत आगे है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस फिल्म की स्टोरी पिछले पार्ट के एक साल बाद की है। उस मूवी के एंड में माइल्स ने किंगपिन के कोलाइडर को तबाह कर दिया था, जिससे उसकी दुनिया नॉर्मल हो गई थी। लेकिन उस धमाके की वजह से कई सारे यूनिवर्स में बहुत सारे पोर्टल खुल गए थे, जिससे कई लोग अपने अपने यूनिवर्स से निकलकर दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए और इससे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ गया। पर जब इस बारे में मिगेल ओहेरा को पता चलता है तो वो इस मामले की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। मिगेल एक फ्यूचर के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था, जो कि मल्टीवर्स की सुरक्षा का ध्यान रखता था, और इस काम के लिए उसने एक स्पाइडर सोसाइटी बनाई थी जिसमें हर यूनिवर्स का एक स्पाइडरमैन मौजूद था। और उनका हेडक्वार्टर था मिगेल की दुनिया में, जिसमें सैकड़ों स्पाइडरमैन काम करते थे। उन सब का मकसद था स्पाइडरवर्स की रक्षा करना। स्पाइडरवर्स का मतलब है मल्टीवर्स में मौजूद ऐसे यूनिवर्स जिसमें एक स्पाइडरमैन मौजूद है, और वो सभी यूनिवर्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर एक स्पाइडरमैन की दुनिया में कोई गड़बड़ होती है तो उसका असर बाकी स्पाइडरमैन की दुनिया पर भी पड़ता है। इसी वजह से माइल्स की दुनिया में जो कोलाइडर ब्लास्ट हुआ था उससे हर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एक पोर्टल खुल गया था, और उससे बहुत सारे लोग अपनी दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। इसीलिए मिगेल इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए अपनी टीम को लेकर हर यूनिवर्स के पोर्टल बंद करना शुरू कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद ग्वेन स्टेसी यानी स्पाइडर वुमन की दुनिया में भी एक पोर्टल खुल जाता है, और उससे वल्चर नाम का एक बुरा आदमी वहां पर आ जाता है और वो उस दुनिया में तबाही मचाना चालू कर देता है। इसीलिए ग्वेन उसे रोकने जाती है, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती। तब मिगेल अपनी एक साथी जेसिका ड्र्यू के साथ उस दुनिया में आता है, और वो दोनों ग्वेन के साथ मिलकर वल्चर को हरा देते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। इसी दौरान ग्वेन के पिता, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्हें ये पता चल जाता है कि ग्वेन ही स्पाइडर वुमन है। इसीलिए वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तब मिगेल ग्वेन को अरेस्ट होने से बचाने के लिए उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है, और वो उसे मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की एक वॉच दे देता है। फिर ग्वेन मिगेल और जेसिका के साथ अपनी दुनिया से निकल जाती है। इसके बाद वो स्पाइडर सोसाइटी के साथ मिलकर उनके मिशंस पूरे करने लग जाती है। दूसरी तरफ माइल्स मोरालेस अपनी दुनिया में स्पाइडरमैन बनकर अपना फर्ज निभा रहा था। तभी अचानक एक दिन उसके शहर में एक अजीब सा आदमी आ जाता है, जिसके पास पोर्टल के जरिए स्पेस में ट्रेवल करने की पावर थी। वो आदमी पहले एक आम इंसान था और वो एल्केमेक्स कंपनी का एक साइंटिस्ट था। लेकिन जब माइल्स ने उस कोलाइडर को तबाह किया, तब उसकी एनर्जी से वो साइंटिस्ट विकसित हो गया और उसके पास शक्तियां आ गई। पर इस बदलाव की वजह से समाज ने उसे ठुकरा दिया, इसीलिए उसने जुर्म का रास्ता चुन लिया और उसने खुद का नया नाम रखा द स्पॉट। फिर एक दिन वो चोरी करने निकलता है, तब माइल्स वहां जाकर उसे रोकने लगता है, जिससे उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई के दौरान स्पॉट माइल्स को ये बोलता है कि उसके उस कोलाइडर को तबाह करने से वो ऐसा अजीब बन गया। इसके अलावा वो माइल्स को ये भी बताता है कि जब उसने पहली बार उस कोलाइडर को टेस्ट किया था, तब उससे एक दूसरी दुनिया की मकड़ी यहाँ आ गई थी, जिसने माइल्स को काट लिया था। स्पॉट का ये मानना था कि उसकी वजह से माइल्स एक हीरो बना और माइल्स की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसके बावजूद भी माइल्स उसकी इज्जत करने की बजाय उसका मजाक उड़ा रहा था, इसीलिए स्पॉट उससे बदला लेने की कसम खा लेता है। फिर स्पॉट गलती से अपने ही एक पोर्टल के अंदर गिर जाता है, और वहां उसे पता चलता है कि उसके पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की भी पावर है। तब वो अपने पोर्टल से ऐसे यूनिवर्स में जाना शुरू करता है जिसमें एल्केमेक्स कंपनी का कोलाइडर हो, ताकि वो उससे अपनी शक्तियां बढ़ा सके। उधर स्पाइडर सोसाइटी वालों को ये पता चल जाता है कि स्पॉट अपनी पावर्स से मल्टीवर्स में गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए वो लोग उसे ढूंढना चालू कर देते हैं। तब ग्वेन उसे ट्रैक करते हुए माइल्स की दुनिया में पहुंच जाती है, और क्योंकि वो माइल्स को पसंद करती थी, इसीलिए वो कुछ देर के लिए अपना काम छोड़कर उससे मिलने चली जाती है। पर वो माइल्स को अपने मिशन के बारे में नहीं बताती। फिर वो दोनों कुछ वक्त तक साथ में रहते हैं, लेकिन उतनी देर में ही स्पॉट उस दुनिया से निकल जाता है, जिसकी वजह से ग्वेन को अपने साथियों से डांट पड़ती है। इसीलिए वो माइल्स को छोड़कर उस दुनिया से जाने लगती है,
पर इधर माइल्स ने चुपके से गोयन की बातें सुनकर उसका असली मकसद जान लिया था, इसीलिए वो भी गोयन के पोर्टल से इस दुनिया से निकल जाता है और फिर वो दोनों स्पॉट के पीछे एक दूसरे यूनिवर्स के इंडिया में चले जाते हैं, जहां वो उस दुनिया के स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर के साथ मिलकर स्पॉट से लड़ाई करते हैं। फिर वहां पर होबी ब्राउन नाम का एक और स्पाइडरमैन आ जाता है और वो उन तीनों का साथ देता है, लेकिन इसके बावजूद भी स्पॉट उस दुनिया के एल्केमेक्स कोलाइडर तक पहुंच जाता है और वो उसकी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो उस दुनिया से भाग जाता है और तब वो कोलाइडर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उस शहर में तबाही फैल जाती है। तब सभी स्पाइडरमैन उस शहर के लोगों को बचाने लगते हैं, पर जब माइल्स एक पुलिस ऑफिसर को बचाता है जो कि पवित्र की गर्लफ्रेंड के पिता थे, तब वो पूरी दुनिया बर्बाद होने लग जाती है क्योंकि वहां एक कैनन इवेंट नाकाम हो गया था। कैनन इवेंट ऐसी घटना होती है जो कि हर स्पाइडरमैन की जिंदगी में होना जरूरी है। ये घटना अलग अलग यूनिवर्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, अच्छी या बुरी, पर ज्यादातर कैनन इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पाइडरमैन के करीबी लोग मारे जाते हैं, और अगर कोई जबरदस्ती इस इवेंट को बदलता है तो उससे वो पूरा यूनिवर्स बर्बाद हो जाता है और उसका असर दूसरे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स पे भी पड़ता है। मिगेल और उसके साथियों को ये पता होता है कि कौन सी घटना एक कैनन इवेंट है, इसीलिए वो लोग उस इवेंट को बिगड़ने नहीं देते ताकि मल्टीवर्स सही सलामत रहे। पवित्र प्रभाकर की दुनिया में उस पुलिस ऑफिसर का मरना जरूरी था, पर क्योंकि माइल्स ने जबरदस्ती उस दुनिया में जाकर उस ऑफिसर को बचा लिया था, इसीलिए वो दुनिया तबाह होने लग जाती है। तब स्पाइडर सोसाइटी के लोग वहां आकर उस बर्बादी को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद माइल्स, ग्वेन और होबी को हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है। वहां पर मिगेल माइल्स को कैनन इवेंट का मतलब बताता है और बोलता है कि उसके पिता जेफरसन का भी मरना जरूरी है। माइल्स ने पहले ही अपने स्पाइडर सेंस के जरिए ये देख लिया था कि स्पॉट उसके पिता को मारने वाला है, और अब उसे ये भी पता चल गया था कि वो घटना एक कैनन इवेंट है। इसके बावजूद भी वो अपने पिता को बचाना चाह रहा था, लेकिन स्पाइडर सोसाइटी वाले इसके लिए राजी नहीं होते और वो सब मिलकर माइल्स को बहुत समझाते हैं, पर जब वो नहीं मानता तब मिगेल उसे एक पिंजरे में कैद कर देता है ताकि वो उस इवेंट को बदल ना सके, लेकिन माइल्स अपनी शक्ति से उस कैद से आजाद हो जाता है और वो वहां से भागने लगता है। तब उस हेडक्वार्टर के सभी स्पाइडरमैन उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर काफी देर तक पूरे शहर में उनके बीच बहुत भागदौड़ चलती है, लेकिन आखिर में मिगेल माइल्स को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि उसका स्पाइडरमैन बनना एक दुर्घटना है, क्योंकि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वो गलती से उसकी दुनिया में आ गई थी और उसे स्पाइडरमैन बनना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर माइल्स थोड़ा हैरान होता है, पर वो किसी तरह मिगेल से बच के वापस हेडक्वार्टर चला जाता है और वहाँ वो गो होम मशीन के जरिए अपनी दुनिया के लिए रवाना हो जाता है। इधर मिगेल ग्वेन पर बहुत नाराज होता है क्योंकि उसी की वजह से माइल्स यहाँ तक पहुँचा था, इसीलिए वो ग्वेन को स्पाइडर सोसाइटी से निकालकर वापस उसकी दुनिया में भेज देता है और उसकी मल्टीवर्सल वॉच को भी बंद कर देता है। फिर ग्वेन अपने घर जाकर अपने पिता से मिलती है, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। ग्वेन के पिता का पुलिस की ड्यूटी करते हुए मरना एक कैनन इवेंट था, लेकिन अब उनके नौकरी छोड़ने से वो घटना टल गई थी और उनकी दुनिया में कोई तबाही भी नहीं आई। इससे ग्वेन को ये समझ में आता है कि कैनन इवेंट को बिना किसी नुकसान के टाला भी जा सकता है, इसीलिए वो माइल्स की मदद करने का फैसला करती है। तब ग्वेन के पिता उसे एक नई मल्टीवर्सल वॉच देते हैं जो कि होबी ब्राउन उसके लिए छोड़ के गया था। फिर ग्वेन माइल्स की दुनिया में चली जाती है, जहां मिगेल और उसके साथी माइल्स को ढूंढ रहे थे। उधर जब माइल्स अपने घर पहुंचता है तो उसे ये समझ में आता है कि वो गलत यूनिवर्स में आ गया है। असल में उस गो होम मशीन ने माइल्स का डीएनए स्कैन करके उसे घर भेजा था, और क्योंकि माइल्स की बॉडी में एक दूसरी दुनिया के स्पाइडर का डीएनए था, इसीलिए उस मशीन ने उसे उसी स्पाइडर की दुनिया में भेज दिया। इस दुनिया में माइल्स का अंकल जिंदा था और उसके पिता मर चुके थे, और वहाँ का माइल्स अपने अंकल के साथ रहकर प्राउलर बन गया था, और क्योंकि उस दुनिया का रेडियो एक्टिव स्पाइडर दूसरी दुनिया में चला गया था, इसीलिए वहाँ कोई स्पाइडरमैन नहीं था। फिर वो प्राउलर माइल्स अपने अंकल के साथ मिलकर स्पाइडरमैन माइल्स को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करना चालू करता है। दूसरी तरफ ग्वेन को ये पता चल गया था कि माइल्स एक गलत यूनिवर्स में पहुंच गया है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए अपने पुराने और नए स्पाइडरमैन दोस्तों के साथ उसे ढूंढना शुरू कर देती है। उधर स्पॉट अब बहुत शक्तिशाली बन गया था और वो माइल्स के पिता को मारने के लिए उनकी दुनिया में पहुंच जाता है। इसके आगे की कहानी इस मूवी के अगले पार्ट स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।
और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।